Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. क्या आप जानते हैं कि 2009 में इसरो ने मून पर पानी की खोज की, जिसका क्रेडिट नासा ने लेने की कोशिश की। ऐसे और दिलचस्प फैक्ट्स को जानने के लिए देखते रहिए एपिक पीडिया का ये वीडियो। बीसवीं सदी में जब अमेरिका ने मून पर पहला स्पेसक्राफ्ट लैंड किया, तब से साइंटिस्ट का ये विश्वास रहा कि मून बिल्कुल ही ड्राई है, और हर बार अपने आर्गुमेंट को साबित करने के लिए वे अपोलो मिशन्स द्वारा अर्थ पर वापस लाए गए रॉक सैंपल्स के रिजल्ट्स को प्रेजेंट करते थे। मॉडर्न साइंटिस्ट्स ने अभी तक मून पर कई सैटेलाइट्स और रोवर्स भेजे हैं, जिनका मिशन मून के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्कैन कर ऑक्सीजन और हेल्थी सॉइल जैसी लाइफ सपोर्टिंग पैरामीटर्स की खोज करना था। करोड़ों वर्षों से डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंचने की वजह से मून के पोल रीजन्स बहुत ठंडे हैं। इन्हीं रीजन्स में वैज्ञानिकों को क्रेटर्स मिले, जो पानी या आइस के फॉर्म होने के लिए परफेक्ट स्पॉट्स माने जाते थे। 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 590 किलो के चंद्रयान 1 को पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV की मदद से मून के इलेप्टिकल पोलार ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 में इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बल्गेरिया में बने 11 साइंटिस्ट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स थे। इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में इंडिया का एक इंस्ट्रूमेंट मून इंपैक्ट प्रोब यानी MIP भी था, जिसका पर्पस मून के साउथ पोल के पास स्थित परमानेंटली शैडोड रीजन यानी PSR में क्रैश करना था। MIP पर तीन इंपॉर्टेंट रिसर्च एलिमेंट थे, पहला रेडार ऑल्टीमीटर, दूसरा वीडियो इमेजिंग सिस्टम और तीसरा चंद्रास एल्टीट्यूडनल कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर यानी चेज, जो एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था। 14 नवंबर 2008 को भारत के साइंटिस्ट्स द्वारा डिटरमिंड पाथ पर मून इंपैक्ट प्रोब यानी MIP ने मून पर क्रैश होने से पहले अनेक क्रूशियल डेटा के साथ साथ मून के सरफेस की 100 से अधिक पिक्चर्स इसरो को भेजी। अपने निर्धारित क्रैश से कुछ ही क्षण पहले मून के एटमॉस्फेयर पर पानी के मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसरो ने इन रिजल्ट को जल्दबाजी में पब्लिश नहीं किया। जब मिशन एक साल बाद अगस्त 2009 में कंक्लूड हुआ, तब इसरो ने पहले अपने डेटा का कंफर्मेशन करने के लिए अन्य स्पेस एजेंसीज को इन्फॉर्म किया। पर एक चौंकाने वाली खबर सितंबर 2009 में दुनिया के सामने आई। नासा ने चंद्रयान 1 पर अपने भेजे गए रिसर्च इंस्ट्रूमेंट मिनी सार और मून मिनरोलॉजी मैपर यानी M3 का डेटा पब्लिश कर मून पर पानी खोजने की अनाउंसमेंट कर दी। इसे देखते हुए इसरो ने फाइनली अपने मून इंपैक्ट प्रोब MIP के रिजल्ट्स को पब्लिश किया और साबित किया कि चंद्रयान 1 ने पानी की खोज नासा से पहले ही कर ली थी। इसरो के इस क्लेम को अन्य स्पेस एजेंसीज ने भी एक्सेप्ट किया। चंद्रयान 1 ने ना सिर्फ क्रैश साइट पर पानी की खोज की, बल्कि ये भी जानकारी दी कि मून के PSR यानी परमानेंटली शैडोड रीजन में 40 ऐसे क्रेटर्स हैं जहां करीब 600 बिलियन केजी आइस हो सकती है और 2 मीटर तक पानी के होने की आशा है। इसी पानी की खोज से भारत के चंद्रयान 1 ने मून पर ह्यूमन बेस एस्टैब्लिश करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ा दी है। भारत के महान स्कॉलर महर्षि वाराहमिहिरा 6th सेंचुरी के एक महान वैदिक पंडित होने के साथ साथ एक एक्सपर्ट एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर और मैथमेटिशियन भी थे। 1500 साल पहले उन्होंने अपने कैलकुलेशंस के आधार पर मार्स पर भी पानी और आयरन होने का प्रेडिक्शन किया था, और इसरो के ऐसे ही लगातार प्रयासों से हम एक दिन मार्स पर भी अमेजिंग डिस्कवरीज कर पाएंगे।